दोस्तों, हम जब सस्टेनेबल एनर्जी यूजेज की चर्चा करते हैं, नेचुरल गैस का जिक्र होना स्वाभाविक है। नेचुरल गैस ग्लोबली एक क्लीन एनर्जी है। जैसे पेट्रोल और डीजल के कम्बशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नेचुरल गैस में जनरली हाइड्रोजन और वाटर निकलता है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हमें ये भी मालूम है कि इंडिया के कई रीजन्स में इसकी भरमार है। ऐसे में नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द कंट्री भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं गैस पाइपलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पूरे देश में धीरे धीरे बिछाई जा रही हैं। रिसेंटली जनवरी में 450 किलोमीटर लंबी कोची टू मैंगलोर गैस पाइपलाइन कंप्लीट हुई है। इसी दौरान एक सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1987 में पहली इंटर स्टेट पाइपलाइन कमीशन हुई थी और 2014 तक 15,000 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाई जा चुकी थी। उन्होंने आगे कहा कि आज करीब 16,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइंस पर काम चल रहा है, जो अगले 5 से 6 सालों में कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों, इंडिया की पहली इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन 1750 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर थी, जो 1987 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL ने शुरू की थी। हम आज इसी सिलसिले में गैस पाइपलाइंस डिस्कस करेंगे, इंडिया के प्रॉस्पेक्ट के साथ साथ ग्लोबली इंडियन पर्सपेक्टिव कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हम इस वक्त कहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, बात कोची टू मैंगलोर पाइपलाइन से शुरू हुई है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये पाइपलाइन मोस्टली केरला में लोकेटेड है, जो करीब 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करती है। इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल कॉस्ट 3,000 करोड़ रही है। इसके ऊपर काम 2009 में शुरू हुआ था, जो 2014 में कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड था। हालांकि प्रोजेक्ट डिलेज के कारण कमीशनिंग डेट आगे बढ़ती गई और 2021 जनवरी में शुरू हुई। नेचुरल गैस मॉडर्न डे फ्यूल्स में क्लीनेस्ट है, जिसका इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ एफिशिएंसी और नॉन पॉल्यूटिंग नेचर के कारण सस्टेनेबल है। दोस्तों, इसी नेचर के कारण इसका पैन इंडिया रीच क्रूशल हो जाता है, और जब पाइपलाइन के जरिए कनेक्शन अवेलेबल होते हैं तो लोकल स्टोरेजेस और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत और खर्चा सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इसका मार्केट ग्लोबली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में इंडिया भी अपनी पाइपलाइंस पर काम कर रहा है। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि फिलहाल गैस ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का केवल 6% है। हालांकि 2025 तक गवर्नमेंट इस हिस्सेदारी को 15% तक ले जाना चाहती है। गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकल और सेफ ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जो नेचुरल गैस के सोर्सेस को कंज्यूमर से सीधा जोड़ता है। ये पाइपलाइन ग्रिड गैस मार्केट का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी डिसाइड करती हैं, इसलिए इंटरकनेक्टेड नेशनल गैस ग्रिड की तैयारी की जा रही है, जो पूरे देश में एडिक्वेट अवेलेबिलिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर सकेगी। GAIL की वेबसाइट के मुताबिक करेंटली नेचुरल गैस पाइपलाइन का 17,000 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल नेटवर्क है। इसके अलावा 15,500 किलोमीटर की नेशनल ग्रिड पाइपलाइन अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। इसके अलावा दोस्तों, लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 33,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अप्रूव कर दिया है। यदि ऐसा हो जाएगा तो नेचुरल गैस धीरे धीरे एक बड़े रीजन में अवेलेबल होगी। हालांकि पाइपलाइंस को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग और साइबर सिक्योर होना ज़रूरी है। इसके चलते नेचुरल गैस यूनिफॉर्म इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को भी सपोर्ट करेंगी। दोस्तों, नेशनल गैस ग्रिड की जो प्लानिंग हो रही है, इस पर अब तक के डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। फिलहाल ऑपरेशनल नेचुरल गैस पाइपलाइन यानी 16,500 किलोमीटर पाइपलाइन के अलावा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और PNGRB ने और भी पाइपलाइंस ऑथराइज की हैं। 2019 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के मुताबिक अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक 1820 किलोमीटर की पाइपलाइंस कमीशन हुई हैं, और मार्च 2019 से सितंबर 2019 तक 530 किलोमीटर और कमीशन है। 2019 की इसी रिलीज के मुताबिक PNGRB ने 229 जियोग्राफिकल एरियाज और 406 डिस्ट्रिक्ट्स में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स तैयार करने के लिए बिडिंग की थी। ये फिलहाल प्रोसेस में है और 2021 में भी कोई पाइपलाइन एज सच शुरू नहीं हुई है। हालांकि 2019 के बाद से COVID-19 पैंडमिक में कई प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हुए हैं। यदि ये पूरा होता है तो इंडिया की करीब 70% पॉपुलेशन कवर करेगा और 53% एरिया में ये नेटवर्क रहेगा। प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेजेस पर है। दोस्तों, कुछ पाइपलाइंस कमीशन हैं और कुछ पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन हैं।
एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक गैस सप्लाई यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और डोमेस्टिक हाउसहोल्ड यानी पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी को हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाया है। गवर्नमेंट जानती है कि एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है और इसका स्ट्रांग होना इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में मददगार साबित होगा। दोस्तों पाइपलाइंस होने पर भी फिलहाल देश में क्रॉस कंट्री एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइंस नहीं है, क्योंकि इन पाइपलाइंस का सेफ और टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे सीवियर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए पीएनडीआरबी ने पीएनजीआरबी एक्ट 2006 के अंडर टेक्निकल और सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर नेचुरल गैस पाइपलाइंस नोटिफाई किया था, जो कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइंड है। ऑथराइज पाइपलाइंस आर बाउंड टू कम्प्लाई विद दीज स्टैंडर्ड्स। दोस्तों नेचुरल गैस इंडिया के एनर्जी मिक्स में 2030 तक 15% होना संभव है। फिलहाल एलएनजी इंपोर्ट्स ओपन जनरल लाइसेंसिंग कैटेगरी में है और एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट 100% एफडीआई में आता है। इस मार्केट को एक्सपैंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस ग्रिड नेटवर्क और एलएनजी रिटेल आउटलेट से बढ़ाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एलएनजी को ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह नोटिफाई कर चुका है। एलएनजी को प्रमोट और मार्केट एक्सपैंड करने के लिए एलएनजी टर्मिनल्स, पाइपलाइंस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पॉलिसी यानी DPIIT के मुताबिक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर ने ईयर 2000 से 2020 के बीच $7.9 बिलियन का FDI अट्रैक्ट किया है। दोस्तों फरवरी 2021 में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली है। पेट्रोनेट एलएनजी के प्लान्स अनाउंस किए हैं। वो राइजिंग डिमांड को मीट करने के लिए दहेज टर्मिनल की कैपेसिटी 29% बढ़ाकर 22.5 मिलियन टन्स पर एनम यानी MTPA कर देगी। की इंडियन रिटेलर्स जैसे भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी रूरल एरियाज में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान सामने रखे हैं। फरवरी में ही ONGC ने कहा था कि मई 2021 तक वो अपने KG बेसिन ब्लॉक के नेचुरल गैस आउटपुट को इंक्रीज कर 2.5 टू 3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे कर देगा। इसके अलावा असम के मधुबन और डिब्रूगढ़ में भी कई की ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन स्टैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, जो हाइड्रोजन वैल्यू चेन और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूल सेल्स के लिए सेंटर फॉर एक्सेलेंस एस्टैब्लिश करेगा। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022 तक कंट्री ऑयल इंपोर्ट्स पर रिलायंस को 10% तक कम कर देगी। इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। फरवरी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 7.5 ट्रिलियन खर्चा करा जाएगा। 2021 के यूनियन बजट में भी गवर्नमेंट ने LPG के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ₹12,480 करोड़ और करीब 1,000 करोड़ फीड स्टॉक सब्सिडी के रूप में दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक LNG पॉलिसी का ड्राफ्ट भी रिलीज किया है, जो कंट्री के LNG रीगैसिफिकेशन कैपेसिटी को 42.5 मिलियन टन्स पर एनम से 2030 तक 70 MTPA और 2040 तक 100 MTPA ले जाने का एम रखती है। गवर्नमेंट 2023 तक 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स भी लगाने का प्लान कर रही है। दोस्तों स्टेट रन एनर्जी फर्म्स जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो पिछले कुछ सालों से गैस सेक्टर को एक्सप्लोर कर रही हैं, वो भी करीब $20 बिलियन स्पेंड कर अपनी रिफाइनरीज को एक्सपैंड करने का प्लान कर रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में रोबस्ट और कंटिन्यूस है, इसके कारण इंडिया की एनर्जी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। डिमांड का पेस सभी मेजर इकोनॉमीज से तेज एंटिसिपेट किया जाता है। 2017 से 2035 के बीच ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की एनर्जी डिमांड करीब दोगुनी हो जाने वाली है। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की डिमांड एकदम से ख़त्म तो नहीं होने वाली है, पर कम हो सकती है यदि नेचुरल गैस पाइपलाइंस शुरू हो जाए। नेचुरल गैस कंजम्पशन का फोरकास्ट है कि 2040 तक 143 मिलियन टन्स होगा, जो 2018 में 58 मिलियन टन्स रहा है। नेचुरल गैस पर फोकस अनडाउटली बढ़ रहा है। रशिया, चाइना अपनी अपनी पाइपलाइंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। रशिया की दोस्तों नॉर्थ स्ट्रीम और नॉर्थ स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइंस यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा नॉर्थ पोल में भी रशिया के पास नेचुरल गैस का एक इनॉर्मस भंडार है।
जिसको आने वाले वक्त में रशिया यूज करना चाहेगा। इस मार्केट का पिछले दो दशकों में अचानक बढ़ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि फॉसिल फ्यूल की कमी है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये अनसस्टेनेबल फ्यूल्स दो रीजंस की वजह से होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये लिमिटेड होते हैं, और दूसरा ये कि इनका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हालांकि जब इनका यूज शुरू हुआ था, जब क्योंकि ग्लोबली मशीन्स और टेक्नोलॉजीज लिमिटेड थी, तो ज़्यादा फर्क समझ नहीं आया और सस्टेन्ड यूज़ हुआ। पर अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल इम्पैक्ट ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इन फ्यूल्स का ऑल्टरनेट क्या होगा। नेचुरल गैस इसका बहुत अच्छा आंसर है। ऐसे में इस ग्लोबल रेस में इंडिया पीछे नहीं रहना चाहेगा और एक्सपेंशन की ओर तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? कैसे ये गैस पाइपलाइंस इंडिया के फ्यूचर को एक नई दिशा में मोड़ सकती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।